एक ऐसी शख्सियत जिसकी किताबें आज भी यूरोप की यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई जाती है, ऐसी शख्सियत जिसने हर फिरके में और हर मजहब में रहकर उसका रद्द किया, एक ऐसी शख्सियत जिसने 500 से ज़ायद किताबें लिखी, एक ऐसी शख्सियत जिसने अरस्तु और अफलातून जैसे बड़े बड़े फलसफियों का रद्द किया। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह की और उनके फलसफों की। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए मालूमाती साबित होगी, तो इसे आखिर तक जरूर देखें। इमाम गजाली का पूरा नाम मोहम्मद बिन मोहम्मद इब्न अहमद अत्तूसी था। इमाम गजाली की विलादत सन 450 हिजरी में हुई। आपको जैनुल आबदीन का लकब भी दिया गया था। आपकी विलादत तूस में हुई और आपके वालिद यहीं पर ऊन फरोख्त किया करते थे। इमाम गजाली के इल्मी सफर की मिसाल इस दुनिया में ढूंढने से नहीं मिलती। इमाम गजाली हक और सच की तलाश में हर फिरके, मसलक, ग्रोह और हर जमात में रहे। जब आप सिर्फ 20 साल ही थे तो इस उम्र जवानी में आप इस कशमकश के शिकार हुए। जब आपने दुनिया भर में देखा कि इतने सारे मजहब, इतने सारे फिरके और इतने सारे मसलक मौजूद हैं, तो इन सारी बातों ने आपको काफी परेशान किया। आपने उस वक्त सोचा कि अब मुझे इल्म की तलाश में इस भरे समंदर में गोता लगाना होगा। इमाम गजाली अपनी किताब अल मुनकनत अल जलाल में लिखते हैं कि बातिन की बातिनियत, जाहिर की जाहिर परस्ती, फलसफी का राज फलसफा, मुतकल्लिम का कलाम व मुनाजरा, सूफी की सूफियत, आबिद की मकसद इबादत, इन सारी चीज़ों को जानने की मेरे अंदर एक तड़प थी और इसके लिए मैंने दुनिया की हर मुमकिन कोशिश की। आपने आगे लिखा कि मेरी तकलीद की जंजीर टूट गई, बचपन के सारे मौरसी अकायद बिखर गए। उन्होंने लिखा कि मैंने देखा कि नसारा के बच्चे सिर्फ नसरानी, यहूद के बच्चे यहूदी और मुस्लिम के बच्चे सिर्फ मुसलमान बनते हैं, और यहीं से मेरे अंदर फितरत असली जानने का शौक पैदा हुआ। उन्होंने कहा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर बच्चा फितरत पर पैदा होता है, फिर उसके वालिदैन ही उसे यहूद व नसारा या तो मजूसी बना देते हैं। आपने इन सारे अकायद व अफकार का काफ़ी गहरी तरीके से मुताला किया। आपने बातिनिया, फलसफा, तसव्वुफ और हर मकतब को जानकर उसका इल्म हासिल किया। इसी तरह जब आपने अपने इल्म को नाकाफी जाना तो आप अपने हर इल्म व अकायद में कामयाबी हासिल करते रहे और उसकी तालीम हासिल करते रहे। आपने बारी बारी कई चीज़ों का रद्द भी किया, क्योंकि ये ऐसी चीज़ थी जो आपकी तशनगी को पूरा ना कर रही थी। इमाम गजाली ने यूनानी फलसफियों को भी पढ़ा। फलसफे की मुखालिफत के बावजूद आप अक्लु खिर्द और मंतिक की हिमायत किया करते थे। साथ ही आपने अफलातून और अरस्तु के मंतिक का रद्द भी किया। आपने अल किस्तात अल मुस्तकीम नामी एक किताब लिखी, जिससे आपने फलसफा और मंतिक को फलसफियों के बजाय कुरान मजीद के मीज़ान पर रखा। इमाम गजाली की ऐसा करने की सबसे बड़ी वजह यह थी कि यूनानी फलसफियों के मंतिक और फलसफे की वजह से मुसलमानों का एक बड़ा गुरु दीन इस्लाम से दूर हो रहा था, और इस वक्त मजहब मुखालिफत का ये सारे यूनानी फलसफी एक जहन बना रहे थे, और इन्हीं के पैरोकार यानी कि एथियस्ट आज भी इस दुनिया में मौजूद है, जिन्हें हम मुलहिद कहते हैं, जो किसी भी धर्म, किसी भी मसलक या किसी भी मजहब को नहीं मानते। यूनान के इन फलसफियों ने अपने गलत फलसफे और मंतिक की बुनियाद पर जो इमारतें खड़ी करी थी, इमाम गजाली ने इन सारी इमारतों को गिरा दिया। इन सारी चीज़ों का रद्द करते हुए आपने इन सारी चीज़ों का जवाब फलसफियाना तरीकों और इफकार के साथ ही दिया। एक वक्त आया जब आप फलसफे से बेजार हो गए और आपने इल्मुल कलाम में काफ़ी महारत हासिल कर ली, और उस वक्त आपको हुज्जतुल इस्लाम का लकब दिया गया। अपनी इल्मी तलाश जारी रखते हुए आपने कुछ वक्त बातिनियों के साथ भी गुजारा। जब आपने देखा कि बातिनियों के नज़दीक किताब और सुन्नत और दूसरी चीज़ों की कोई अहमियत नहीं है, तो आपने इनसे किनारा कशी इख्तियार की। सन 484 हिजरी में आप बगदाद के एक मदरसे में मुदर्रिस की हैसियत से आए। एक दिन की बात है, आप यहाँ पर जामिया में दर्स दे रहे थे। आपने इस वक्त काफ़ी उम्दा लिबास पहना हुआ था। आपकी महफिल में बैठने वालों में बड़े बड़े उमरा और बड़ी बड़ी शख्सियतें शामिल थीं। इसी वक्त मस्जिद में एक दरवेश तशरीफ लाए। दरवेश ने इमाम गजाली को देखा। दरवेश ने आपसे कहा कि तुम तो लोगों का इलाज कर रहे हो, जबकि तुम खुद ही बीमार हो, तुम्हें तो खुद इलाज की ज़रूरत है। उस दरवेश का इशारा इस तरफ था कि इमाम गजाली जिंदगी के ऐशो इशरत में मुबतला है। ये इल्म मुनाजर ये दिल की एक तसल्ली के लिए है,
जबकि दिल की बीमारी तो असल में इनका ये शौक है, और इस बीमारी के साथ इन्हें हक और सच का रास्ता कभी नहीं मिल सकता। इस बात का आप पर इतना गहरा असर हुआ कि इमाम गजाली ने अपने सारे ओहदे, अपने सारी ऐश इशरत और अपने घर को तर्क करके बगदाद से निकलने का इरादा कर लिया। उलमा और आपके रुफका ने आपको रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन आप ना रुके। सन 488 हिजरी में आपने बगदाद को अलविदा कहा। इसके बाद आप दोबारा से इल्म की तलाश में निकल गए। इसके बाद आप बैतुल मुकद्दस तशरीफ लाए और यहाँ पर कुछ अरसा तसव्वुफ पर गौर किया। आपने यहाँ पर सूफियों की सोहबत इख्तियार की और अपने ईमान को पुख्ता किया। आपने बहुत सारे शहरों का सफर किया। इसके बाद आप मक्का मुकर्रमा तशरीफ लाए। यहाँ पर आप 10 सालों तक गोशा नशीन रहे। आपने किताब में लिखा कि मुझ पर खिलवत पर ऐसे ऐसे राज खुले जिसका जिक्र करना नामुमकिन है। इस वक्त आपको कामिल यकीन हुआ कि सूफिया ही हक का रास्ता है। ये वो जरिया है जहाँ पर जिक्र इलाही के जरिए खुद को फनाह करके अल्लाह की राह तक पहुँचना ही सबसे बड़ा मकसद होता है। आपने अपनी जिंदगी में तकरीबन 200 से जायद किताबें लिखी। दोस्तों, ये थी दीन की बात की हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय देकर जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल दीन की बात को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर शेयर करें ताकि उनकी दीनी मालूमात में इजाफा हो सके। इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं हमारी आने वाली अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।